अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उफैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसको अगर आप दिन में सिर्फ एक मरतबा पढ़ लिया करें, एक तस्बीह पढ़ लिया करें, तो यकीन करें ये तस्बीह दौलत का सैलाब ले आएगी। यानी कि एक तस्बीह इतनी दौलत लाकर आपके हाथों में थमा देगी, इतनी दौलत आपके घर में ले आएगी कि दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी मकसद हो, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई काम शुरू करना होता है, कोई कारोबार शुरू करना होता है, गाड़ी लेनी होती है, शादी करवानी होती है या बाहर के मुल्कों में जाना होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको दौलत चाहिए होती है, उनको पैसा चाहिए होता है। और आज इस दौर में जब कोई इंसान ज़रूरत के लिए किसी भाई के पास, किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास जाता है या उसको फ़ोन करता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो अगला बंदा परेशान हो जाता है और उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह से इसको टाल दूँ ताकि इसको पैसे ना मिल सकें, क्योंकि आजकल कोई भी इंसान दूसरे इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, हर बंदा दौलत के पीछे भाग रहा है और वो चाहता है कि पूरे ख़ानदान में, पूरी बिरादरी में, रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा दौलत मेरे पास हो, सबसे पहले मैं गाड़ी खरीद लूँ, सबसे पहले मैं घर बना लूँ, सबसे पहले मैं जायदाद का मालिक बन जाऊँ। वो चाहता है कि सारे लोगों में सबसे ज़्यादा दौलत मेरे पास हो। लेकिन दोस्तों, इंसान चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, होना वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, वही इंसान को मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है, जो उसके मुकद्दर में होता है, जो अल्लाह पाक ने उसके लिए लिख रखा होता है। आज मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताऊंगा, आप लोग बिना नागा सिर्फ एक तस्बीह ये पढ़ लिया करें, चाहे जिस वक्त पढ़ें, बस पढ़ने से पहले वजू कर लिया करें, पाक साफ होकर आपको ये तस्बीह पढ़नी है। इस तस्बीह में अल्लाह पाक के दो प्यारे नाम हैं और ये दो नाम इतनी ताकत रखते हैं, इतनी पावर रखते हैं कि दौलत के अलावा भी आप अल्लाह पाक से जिस चीज़ की भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमा कर आपको वो सब कुछ अता फरमा देगा। अल्लाह पाक के दो प्यारे नाम हैं या अल्लाहू या वहाबू, या अल्लाहू या वहाबू, या अल्लाहू या वहाबू। अल्लाह पाक के ये नाम इतनी ताकत रखते हैं कि अगर दिन में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ ली जाए किसी भी वक्त, तो आपके पास दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद पूरा हो जाएगा, आपका नसीब खुल जाएगा, आपका मुकद्दर जाग जाएगा। आप लोग ये अमल ज़रूर करें। अगर आपको फ़ायदा ना हुआ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाएँ और आपको इतनी दौलत अता फरमा दे कि दुनिया की कोई भी ज़रूरत हो वो पूरी हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।